हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ द वुल्फ मैन। ये मूवी हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस कहानी को देखने में आपको बहुत मजा आएगा और ये कहानी आपको लास्ट तक बनाए रखेगी। तो चलिए समझते हैं मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन टैल्बोट नाम के एक शख्स को पूर्णमासी की रात में एक भेड़िए जैसा दिखने वाला क्रीचर मार डालता है, जिसके बाद ये खबर उसके भाई लॉरेंस टैल्बोट को दी जाती है। लॉरेंस एक एक्टर था और थिएटर में काम करता था, जिस वजह से वह अपने परिवार से दूर एक दूसरे शहर में रहता था। लेकिन ये खबर सुनने के बाद वह अपने शहर वापस आ जाता है और अपने घर जाकर अपने फादर सर जॉन टैल्बोट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश हाल ही में एक चर्च के पास मिली है और उसकी पूरी बॉडी जख्म से भरी हुई है। तो अब इसके बाद लॉरेंस अपने भाई की डेड बॉडी देखता है और वो बॉडी इतनी डरावनी होती है कि वो उसे देख के डर जाता है। आगे वो एक लोकल पब में जाता है जहाँ पर कुछ लोग इस घटना को लेकर बातें करते हैं। कोई कहता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का काम है, तो कोई कहता है कि ये जरूर जिप्सीज यानी बंजारों का काम है जो हमारे शहर के बाहर रहते हैं। तो इसी बीच एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि 25 साल पहले भी इसी शहर में ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई थी, पर एक आदमी बच गया था और उसने बताया था कि वो एक अलग तरह का जानवर था, वो एक शिकारी भेड़िया था। तो उसके ऐसा कहने पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। फिर रात के समय लॉरेंस अपने ब्रदर की फियोंसे से मिलता है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसका नाम ग्वेन कॉनलिफ था और इसी ने लॉरेंस को लेटर लिखकर इस घटना के बारे में बताया था। लॉरेंस को अपने भाई के रूम में एक डायरी और एक फोटो मिली थी जिसे उसका भाई ग्वेन को देना चाहता था। तो अब लॉरेंस वो सारी चीजें ग्वेन को दे देता है और अब इसके बाद वो अपने फादर से मिलता है और उन्हें बताता है कि बेंजामिन की बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी अलग तरह के क्रीचर ने मारा है। तो लॉरेंस के फादर बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई सारे जानवर हैं जो अपना शिकार बड़ी बेरहमी से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे यहीं के कुछ बंजारों ने मारा है। ऐसा कहकर लॉरेंस के फादर वहां से चले जाते हैं। बाकी इस घर को देखते देखते लॉरेंस को उसके बचपन की एक फ्लैशबैक दिखती है जिसमें उसकी मदर सुलीना कुछ कारणों की वजह से सुसाइड कर लेती है और वो उसके फादर जॉन की बाहों में दम तोड़ देती है। इसके बाद से ही लॉरेंस को कुछ हेलुसिनेशन आने लगते हैं और फिर लॉरेंस को लंदन के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है और क्विन को अपने फादर का ख्याल रखने के लिए लंदन जाना पड़ता है, पर तभी लॉरेंस उसे बाता करता है कि वो अपने भाई बेंजामिन के कातिल को ढूंढ कर रहेगा। क्विन के जाने के बाद लॉरेंस के फादर उसे एडवाइस देते हैं कि उसे आज रात बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है। लेकिन लॉरेंस उनकी बात माने बगैर बंजारों से पूछताछ करने उनके कबीले पहुंचता है जहां पर वो मलिवा से मिलता है और अपने भाई की डेड बॉडी से मिले एक लॉकेट के बारे में पूछता है। इससे पहले मलिवा कुछ बता पाती हम देखते हैं कि कैंप के लोग एक भालू को लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा शक होता है कि गांव में होने वाले सारे कत्ल यही भालू कर रहा है, पर तभी उनका शक दूर हो जाता है और एक बड़ा सा भेड़िया उन पर हमला करता है। ये भेड़िया कई सारे बंजारों को मार डालता है और एक बच्चे की तरफ बढ़ता है। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में लॉरेंस कूद जाता है और वो भेड़िया उसे काट लेता है, पर समय रहते कैंप के कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। भेड़िया वहां से भाग जाता है। फिर मलिवा उसके गांव में टाके लगाती है और अब कैंप के कुछ लोग उसे मारने को कहते हैं क्योंकि उसे बेयरवुल्फ ने काटा था और अब वो भी भेड़िया बन जाएगा और लोगों को मार डालेगा। लेकिन मलिवा उन्हें ऐसा नहीं करने देती। आगे लॉरेंस अपने घर वापस पहुंच जाता है जहां पर उसका ख्याल ग्वेन रखती है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लॉरेंस इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है। यहां तक कि खुद लॉरेंस को भी इस पर हैरानी होने लगती है। इसी के साथ लॉरेंस के सेंसेस भी काफी तेज होने लगते हैं। वह काफी दूर तक की आवाजें भी सुनकर महसूस कर पाता है, पर वह ये सारी चीजें लोगों से छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि गांव के लोगों को अगर ये सब पता चल गया तो वे लोग उसे मार डालेंगे। आगे लॉरेंस अपने सर्वेंट जिसका नाम सिंह होता है उसके कमरे में जाता है। सिंह के कमरे में लॉरेंस चांदी की बुलेट्स देखता है। दरअसल चांदी की बुलेट्स भेड़ियों को मारने के काम आते हैं क्योंकि भेड़िए चांदी से डरते हैं। तो लॉरेंस उनसे पूछता है कि क्या आप भेड़ियों के श्राप पर विश्वास रखते हैं। तो सिंह जवाब देता है नहीं, पर वो हरदम हर चीज के लिए तैयार रहता है। आगे हमें इंस्पेक्टर फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो गांव में होने वाले मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करता है, पर तभी लॉरेंस की मेंटल हिस्ट्री देखकर उसका शक उस पर जाता है और वो उसके घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता तो वो खाली हाथ वापस लौट जाता है। यहां डॉक्टर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर लॉरेंस को मारने आता है क्योंकि उसे ऐसा शक होता है कि लॉरेंस को भेड़िए ने काट लिया है और अब वो भी धीरे धीरे भेड़िया बनकर लोगों को मार डालेगा। लेकिन लॉरेंस के फादर उसे एन मौके पर आकर बचा लेते हैं। अब लॉरेंस अपने गर्दन के
एक हॉक को देखता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं, तो अब उसका शक पक्का हो जाता है और अब वो क्वेन को उसकी प्रोटेक्शन के लिए लंदन उसके फादर के पास भेज देता है। फिर अगला दिन पूरनमासी का होता है और गाँव के लोगों को पता होता है कि आज भेड़िया आने वाला है, तो इसलिए वो लोग एक ट्रैप तैयार करते हैं। साथ ही गाँव के बाकी लोग अपनी अपनी तरह से उस भेड़िए से बचने की कोशिश में जुट जाते हैं और चांदी की गोलियां तैयार करते हैं। वहीं उसी रात लॉरेंस अपने फादर को कहीं जाता देखता है और उनका पीछा करता है। वह देखता है कि उसके फादर एक चेंबर में आते हैं और उसे देख लेते हैं। इस चेंबर में एक चेयर होती है जिसमें कई सारे स्क्रैचेस होते हैं। लॉरेंस ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लॉरेंस के फादर उसे चेंबर से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि उन लोगों का शक अब तुम पर है। अब लॉरेंस इससे पहले कुछ समझ पाता तभी उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो धीरे धीरे उस शापित वेयरवुल्फ के काटने से एक भेड़िए में बदल जाता है। आगे वो एक जंगल में पहुंचता है और वहां के शिकारियों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और चला जाता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर पहुंचता है और इतनी लाशों को देखकर चौंक जाता है। फिर अगले दिन जब लॉरेंस जागता है तो अपने फादर को देखता है। उसके फादर उसे इंस्पेक्टर के हवाले कर देते हैं क्योंकि वो काफी खतरनाक होता है और आगे उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां के डॉक्टर उसका काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं। फिर कई महीनों बाद एक रात लॉरेंस के फादर उससे मिलने आते हैं। यहाँ वो एक सच रिवील करते हैं। वह कहते हैं कि 25 साल पहले इंडिया में उन्होंने एक गुफा के बारे में सुना था जिसमें एक खतरनाक आदमी रहता था जो भेड़ियों की तरह हरकतें करता था। उन्हें लगा कि वो सिर्फ किसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें वो खुद को पूरनमासी की रात को भेड़िया समझता है, लेकिन जब उस आदमी ने उन्हें काटा तब उन्हें सच मालूम हुआ क्योंकि वह खुद एक भेड़िए में चेंज होने लगे और एक रात उसी भेड़िए की श्राप की वजह से गलती से उन्होंने अपनी वाइफ को मार डाला जिसका उन्हें अब तक अफसोस है। इसलिए उन्होंने अपने एक वफादार सर्वेंट सिंह को ये बात बताई तो सर्वेंट सिंह हर पूरनमासी की रात उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया करता था जिस कारण उनके हाथों से कोई बेकसूरवार नहीं मारा जाता था। लेकिन जॉन आगे बताता है कि एक समय बेन यानी उनका बेटा क्वेन से प्यार करने लगा और उसी के लिए अपने घर को छोड़ने का उसने मन बना लिया जिस वजह से वह नाराज हो गए और शराब में डूब गए। उस रात वह शराब के नशे में थे जिस कारण वह सिंह से लड़ने लगे और सिंह उन्हें कमरे में बंद नहीं कर पाया और वो भेड़िए में बदल गए और जंगल में चर्च के पास उन्हें उनका बेटा बेन दिखा जिसे उन्होंने गलती से अनजाने में मार दिया। लॉरेंस पूछता है कि क्या आपने कभी खुद को इस श्राप से मुक्त करने की कोशिश नहीं की, तो उसके फादर बताते है मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन इस भेड़िए के श्राप ने मुझे अपने वश में कर रखा है। आगे उसके फादर लॉरेंस को एक लेजर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी एक भेड़िए हो और आज पूरनमासी की रात है, तो अगर तुम्हें ये जिंदगी अच्छी ना लगे तो तुम खुद को भी मार सकते हो। फिर अगले सीन में एक डॉक्टर लॉरेंस को अपने केस स्टडी के लिए ले जाता है और डॉक्टर बताता है कि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है कि वो एक भेड़िए में बदल जाता है पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि लॉरेंस धीरे धीरे एक भेड़िए में बदल लगता है जिस कारण सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर वही खड़ा सबको शांत कराने लगता है और अब भेड़िया उस डॉक्टर को ही मार डालता है। वहीं बाकी लोग एन मौके पर भाग निकलते हैं जिस कारण वो भेड़िया उन तक नहीं पहुंच पाता। भेड़िया बाहर निकलकर अफरा तफरी का माहौल बना देता है और जो भी मिलता है उसे मार डालता है। यहीं इंस्पेक्टर भी उसे देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। जब अगली सुबह लॉरेंस होश में आता है तो वो सीधा क्वेंस के पास जाकर उससे मिलता है। वह बताता है कि पुलिस उसके पीछे है तो इसलिए उसे छिपने के लिए एक जगह चाहिए, तो अब क्वेंस उसे अपने शॉप में छिपा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। आगे वहाँ पर इंस्पेक्टर पहुँचता है और शॉप की तलाशी लेता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि लॉरेंस पहले से ही वहाँ से भाग चुका होता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं इंस्पेक्टर को शॉप में कुछ नहीं मिलता तो इसलिए वह लोग भी लॉरेंस के घर की ओर निकल जाते हैं। जब क्वेन को ये पता चलता है तो वो भी उसे बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ क्वेन को मलीवा दिखती है जो उसे सारी सिचुएशन बताती है। क्वेन पूछती है कि इसका कोई इलाज है। मलीवा बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं सिवाय मौत के, तो ये सुनकर ग्वेन कुछ समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस अपने घर पहुंच जाता है जहां पर वो सिंह और एक कांस्टेबल की लाश देखता है। उसे पता होता है कि इन्हें उसके फादर ने मारा है और इसलिए उन्हें मारने के लिए वो चांदी की बुलेट्स लोड करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन इंस्पेक्टर को बुलझाने की
की कोशिश करती है। अब लॉरेंस और उसके फादर आमने सामने होते हैं। लॉरेंस गन फायर करता है लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने बरसों पहले ही इन गोलियों के अंदर से बारूद निकाल ली थी। तो अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और चांद उगते ही ये दोनों भेड़िये में बदल जाते हैं। इनके बीच एक काफी खतरनाक फाइट होती है और फाइनली लॉरेंस अपने फादर को आग में फेंक कर उनका सर काट डालता है और इस तरह से एक भेड़िये का अंत हो जाता है। पर तभी इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाता है और अब वो भेड़िया इंस्पेक्टर पर हमला करके उसे काट देता है। इसी बीच क्वेन इंस्पेक्टर की गन उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लॉरेंस जो कि अब भेड़िया होता है उसे ढूंढते ढूंढते जंगल आ जाता है और फाइनली उसे ढूंढ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्वेन उसे अपने साथ बिताए हुए लम्हे याद दिलाती है और ऐन मौका देखकर उसे मार डालती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो भेड़िया आगे चलकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। फिर लॉरेंस अपने असली रूप में आता है और क्वेन को थैंक्स कहकर मर जाता है। क्वेन वहीं पर रोती रहती है और तभी वहां पर बाकी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हमें किसी दूसरे भेड़िये के हाउलिंग की आवाज सुनाई देती है और ये कहानी कुछ इस तरह खत्म हो जाती है। साथ ही यह एक सवाल छोड़कर जाती है कि आखिर में इंस्पेक्टर का क्या हुआ जिसे लॉरेंस ने काटा था। तो शायद एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंस्पेक्टर एक भेड़िया बन चुका है और लास्ट में ये हाउलिंग की आवाज उसी की है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।